नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 5 बॉलीवुड मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अपडेट को लेकर, साथ ही साथ मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मूवी हिट हो रही है कि फ्लॉप। सबसे पहले हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण की मूवी छपाक के बारे में। दोस्तों, यह मूवी आई थी 10 जनवरी 2020 को और इस मूवी ने इन इंडिया अभी तक 34.93 करोड़ का कलेक्शन किया है। इंडिया ग्रॉस इस मूवी का 40.5 करोड़ के आसपास आया है। मूवी का बजट लगभग 50 करोड़ के आसपास है, तो इस मूवी ने बजट क्रॉस नहीं किया तो ये मूवी फ्लॉप हो चुकी है। फिर भी इस मूवी का ओवरसीज जो कलेक्शन है वो 15 करोड़ का है और टोटल वर्ल्ड वाइड अगर हम ओवरसीज और इंडिया का ग्रॉस ऐड करें तो इसका जो टोटल होगा वो 55.5 करोड़, तो मूवी फ्लॉप हो चुकी है। बात करते हैं अजय देवगन की मूवी तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में। यह मूवी 10 जनवरी 2020 को आई थी। इस मूवी का जो बजट है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास है और इस मूवी ने इन इंडिया टिल डेट 253.72 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। 296.5 करोड़ इंडिया ग्रॉस का कलेक्शन हुआ है। मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में जा चुकी है। मूवी ने ओवरसीज से भी 35 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो इंडिया ग्रॉस और ओवरसीज मिला दे तो तानाजी ने 331.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस तानाजी का। अब हम बात कर लेते हैं वरुण धवन की मूवी स्ट्रीट डांसर 3D के बारे में। स्ट्रीट डांसर 3D, इसमें श्रद्धा कपूर भी काम कर रही हैं। यह मूवी आई थी 24 जनवरी 2020 को। इस मूवी ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। इस मूवी का जो कलेक्शन है इन इंडिया नेट जो आया है वो 67.5 करोड़ के आसपास आया है और लगभग 79.75 करोड़ के आसपास का इंडिया ग्रॉस का कलेक्शन है। मूवी का बजट 100 करोड़ के आसपास है, तो अगर बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी फ्लॉप की तरफ दिख रही है, लेट्स सी क्या होता है। 10 करोड़ का कलेक्शन आ चुका है ओवरसीज से भी और मूवी का वर्ल्ड वाइड जो टोटल कलेक्शन हुआ है 89.7 करोड़ के आसपास हुआ है। अब बात कर लेते हैं पंगा मूवी जिसमें कंगना रनावत ने काम किया है। यह मूवी 24 जनवरी 2020 को आई थी। मूवी का बजट लगभग 49 करोड़ के आसपास है। मूवी ने इन इंडिया नेट अभी तक 26.14 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है। लगभग 30.5 करोड़ के आसपास का इंडिया ग्रॉस का कलेक्शन आया है और ओवरसीज से 7 करोड़ के कलेक्शन आए हैं। कभी भी कोई भी मूवी हिट और फ्लॉप की कैटेगरी इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन इंडिया नेट के आधार पर किया जाता है, तो इस मूवी ने अभी तक बजट क्रॉस नहीं किया तो ये मूवी भी लगभग फ्लॉप है और 37.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने कर लिया है। बात कर लेते हैं सैफ अली खान की मूवी जवानी जाने मन के बारे में। जवानी जाने मन रिलीज़ हुई थी 31 जनवरी 2020 को। इस मूवी ने अभी तक 14.86 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और 17.4 करोड़ इंडिया ग्रॉस का आ चुका है। ओवरसीज से भी 1.6 करोड़ का कलेक्शन आ चुका है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 19 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो ये थी अभी तक का अपडेट लास्ट 5 बॉलीवुड मूवी के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।